when you want to get off the darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. अभी मैं फिलहाल आ चुकी हूँ गुजरात का एक छोटा सा आइसलैंड है जिसका नाम दीव है. वहाँ पर मैं आ चुकी हूँ विजिट करने के लिए. फिलहाल ये मेरे बैक साइड का तुम लोग ये जो फोर्ट देख रहे हो, ये फोर्ट जो दीव, इसका नाम दीव किला है, दीव फोर्ट भी बोल सकते हो. इसको पुर्तगालियों ने बनवाया हुआ था. और ये फोर्ट ऐसे होते हैं कि जो समुंदर के पास बनते हैं, इससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी ये लोग करते थे, बिजनेस भी करते थे. जितने जो फॉरनर्स होते थे, पुर्तगाली जो होते थे, यहाँ पर आते थे. और गोवा में भी ऐसा बना हुआ है. गोवा में प्लस उसमें जेल भी है. इसमें जेल नहीं है फिलहाल, इसमें जो है तोप वगैरह भी है. तो मेरे सामने ये तोप दिखाई दे रही है. ये बहुत पुरानी तोप है. और ये लोग मतलब हमला वगैरह करने के लिए और कोई अटैक ना कर दे उसके लिए भी है. प्लस ये लाइट हाउस है. ये इतना बड़ा का ये लाइट हाउस यहाँ पर दिख रहा है. लाइट हाउस प्रॉपर मतलब देखने के लिए कि समुंदर से कौन आ रहा है, जा रहा है, शिपिंग में सब कुछ मतलब. तो ये फोर्ट जो है बहुत बड़ा फोर्ट है. इसमें टिकट वगैरह कुछ भी नहीं लगता. तो ये बहुत बड़ी अच्छी मेरे को बात लगी है. दूसरी बात ये है कि ये इंडिया में ही आता है प्लस, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर पुलिस नहीं मिलेगी. यहाँ पर जैसे इंडिया में जितने भी रूल्स वगैरह होते, क्राइम वगैरह यहाँ पर नहीं होता. ये केंद्र शासित, ये एक आइसलैंड बोल सकते हो. फिलहाल मैं ये किला देख रही हूँ और किले के बाद में और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और यहाँ पे बीचेस वगैरह हैं. तो देखने आई, विजिट करने आई, तुम लोगों को भी पूरा वीडियो में दिखाती हूँ. तो इस वीडियो में लास्ट तक का बने रहना. आओ पड़ती है. और प्लस यहाँ पर जो फोर्ट है बहुत बड़ा फोर्ट है. और यहाँ पर आओगे तो मतलब मज़ा आएगा. मतलब दूसरी बात ये, इस फोर्ट पे जो है टिकट नहीं लगता, वो बहुत अच्छी बात है. और यहाँ पे एक गाड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि ऐसा आ रही है, वो आ रही है. और इसका कुछ चार्जेस हो सकता है, मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो. तो फिलहाल और भी घूमते हैं. फिलहाल ये जो पॉइंट तुम लोग देख रहे हो, ये सेकंड पॉइंट है. अभी फिलहाल तुम लोग ये जो चर्च देख रहे हो, काफी पुराना चर्च है. इस चर्च के ऊपर काफी सारे कबूतर वगैरह भी हैं. और इस चर्च का नाम जो है संत पॉल चर्च है. जैसा कि यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये पुराना बोर्ड है, ये नया बोर्ड है, ये जैसे कि लगा हुआ है. और इस चर्च में जाने का कुछ टाइम वगैरह भी रहता है. तो अभी फिलहाल चर्च तो अंदर खुला है और चर्च के अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता है. तो जिसको प्रेयर वगैरह करना है वो अंदर जा सकता है फिलहाल. ठीक है, तो अभी मैं कुछ देर के लिए जाऊंगी चर्च में अंदर देखने के लिए. सारे कबूतर है, जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि इस चर्च के ऊपर बहुत सारे कबूतर है. अभी सारे कबूतर इस चर्च के ऊपर आने वाले हैं. और जैसे कि तुम लोगों ने देख लिया कि साफ बहुत सारे कबूतर है. और इस चर्च के अंदर यहाँ से एंट्री होती है. तो मैं फिलहाल अभी अंदर जाने वाली हूँ. कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो फिलहाल मैं तुम लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी, उसके लिए सॉरी गाइस. इस चर्च के अंदर तुम लोग भी आ चुके इस वीडियो के माध्यम से. जो भी तुम लोग की विशेष हो जल्दी से तुम लोग बोल दो. तो सेकंड पॉइंट ये था यहाँ पर दीव में. अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है. कि तुम लोग वीडियो में देख रहे हो कि दीव म्यूजियम लिखा हुआ है. दीव म्यूजियम तो फिलहाल बंद था यहाँ पर, बट लेकिन ये दीव म्यूजियम के बाहर ये एक चर्च टाइप का है गोवा के तरीके. यहाँ पर लोग फोटोशूट वगैरह करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा. और जिनकी वेडिंग वगैरह होती है, शादी वगैरह होती है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, जाके फोटोशूट करवा सकते हो.
अभी ये बीच में ये जो पॉइंट तुम लोग देख रहे हो, ये जो पीछे से यहाँ पर ये जलंधर बीच है, फॉरनर्स आते थे, पुर्तगालीज आते थे और वो लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते थे। उन्होंने भी जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कब्जा वगैरह कर रखा था। प्लस यहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट यहाँ पे वो सामने का जो पहाड़ी देख रहे हो थोड़ा सा, वो जो पॉइंट है वो सनसेट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो है रिलैक्सिंग पॉइंट के लिए भी यहाँ पर पुर्तगालियों ने जो है पुराना यहाँ पर चेयर वगैरह देखने को मिलती है, बैठने के लिए चेयर देखने को मिलती है। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ऐसा रॉक है कि यहाँ पर बहुत सारे केकड़े निकलते हैं, इतने बड़े बड़े केकड़े आते हैं। और प्लस यहाँ पर जो समुंदर का पानी है बहुत तेज़ी से छलांग मारता है, ऊपर तक का आ जाता है। जितना भी पत्थर है पूरा राउंड राउंड इसे पत्थर है, पूरा पानी ऐसे ऐसे भर जाता है इन सब में। प्लस उधर केव्स है, उधर सामने केव्स है जिसमें शिवलिंग वगैरह उन्होंने रखा हुआ है। और मेरे पीछे भी देख रहे हो कितना सारा समुंदर आ रहा है, बार बार टच कर रहा है और बार बार लहर आ रही है, फिर बार बार जा रही है। और फिलहाल इससे आगे नहीं जा सकते, उन्होंने फिलहाल पत्थर को काट करके बनाया है, या फिर नेचुरल भी हो सकता है, तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, टूरिस्ट एकदम भी नहीं है। मतलब टूरिस्ट मतलब समझो कि 1% टूरिस्ट होगा, मतलब टूरिस्ट है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा मतलब आइसलैंड है। तो प्लीज़ तुम लोग आइसलैंड यहाँ पर बीच में गुजरात में जरूर जाना। ये है गंगेश्वर महादेव का मेन गेट, तो चलो अंदर चलते हैं। कल मैं आ चुकी हूँ गंगेश्वर महादेव, जो गंगेश्वर महादेव है यहाँ पर द्वीप का सबसे फेमस पॉइंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये खासियत है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है, यहाँ पे जो समुंदर तुम लोग देख रहे हो, जैसे जैसे वाटर का लेवल जो है बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे समुंदर का लेवल भी बढ़ता जाता है। और वैसे वैसे मतलब समुंदर की काफ़ी सारी लहरें जा करके शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, और तो इसी की वजह से यहाँ पर ये जो पॉइंट है गंगेश्वर महादेव, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। तो तुम लोगों को मैं दर्शन करा देती हूँ। फिलहाल ये तो अभी समुंदर है, जैसे कि यहाँ पे जो लहरें हैं अभी धीमी हैं, स्लो हैं, और जो गंगेश्वर महादेव है वो यहाँ पर पांच शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, पांच शिवलिंग जो कि यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पे ये समुंदर है, यही यहाँ पे जब लहरें तेज हो जाती है तो यही आकर के अभिषेक कराती है। तो ये गुजरात का मतलब फेमस पॉइंट बोल सकते हो, यहाँ पर द्वीप का फेमस पॉइंट है, तो इसको देखने सभी लोग आते हैं। तो फिलहाल यही था यहाँ पर गंगेश्वर महादेव, और तुम लोग एक बार फिर से देख सकते हो वीडियो में पांच शिवलिंग है जो कि यहाँ पर किसी ने स्थापित किए होंगे या ऑलरेडी पहले से होंगे, जो भी बात हो तो आई डोंट नो। तो फिलहाल यहाँ पर यही जो पॉइंट है यही मेन है। फिलहाल ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ में अभी ये यहाँ का जो द्वीप की यहाँ पे केंद्र शासित, जैसे कि मैंने बताया यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये यहाँ पर डेवलप कर रही है ताकि काफ़ी सारे टूरिस्ट आ सकें। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है, बहुत कम टूरिस्ट आता है, बहुत कम लोगों को पता है कि द्वीप एक आइसलैंड है जो कि इंडिया में ही पड़ता है, गुजरात में है। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही पूरा द्वीप एक दिन में कम्प्लीट हो सकता है। ये प्लस ये जो पॉइंट देख रहे हो ये चक्र तीर्थ है, इन्होंने पहाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से काटा हुआ है, काट करके बहुत अच्छी तरीके से रैप डेवलप किया हुआ है। प्लस इसमें कोई मंदिर है, यहाँ पर देवी जी का कोई मंदिर है। और ये प्लस यहाँ पर समुंदर की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर केकड़े वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। अभी ये जो पॉइंट तुम लोग देख रहे हो ये छठा पॉइंट है, और ये है नागवा बीच। नागवा बीच पर तुम लोग स्पोर्ट्स बाइक है, यहाँ पर एडवेंचर कर सकते हो। प्लस जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, ये रेती पर यहाँ पर ये जो गाड़ी होती है स्पोर्ट्स वाली, उस पर भी तुम लोग अच्छे से आकर के मज़े वगैरह ले सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, खुद भी ड्राइव करने को मिलता है। बट लेकिन यहाँ पर खाना पीना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और बीच के किनारे मतलब छोटा सा बीच है, ज़्यादा बड़ा नहीं है नागवा बीच। तो जैसे तुम लोग गाड़ी देख रहे हो स्पोर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा जा रही है वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे अच्छे एडवेंचर वगैरह आकर के तुम लोग कर सकते हो। प्लस यहाँ पर धूप जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो यहाँ पर जो सीज़न टाइम है, जैसे कि जनवरी फरवरी, उस सीज़न टाइम पर आकर के तुम लोग आकर काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल अभी हो चुका है वक्त खाना खाने का। तो खाने में सब कुछ आइटम है, ये गुजरात की थाली है, और जैसे कि गुजरात का खाना सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो तुम लोग भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हो और अच्छा अच्छा खाना का एंजॉय कर सकते हो। और ये है मेरा होटल, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, और होटल के अंदर ले चलती हूँ तुम लोगों को। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नई जर्नी, एक और नया दिन। जो लोग
चैनल पर नए हो चैनल को तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर देना। रूम मैं बता देती हूँ कि मैंने ये रूम लिया हुआ है और ये रूम मेरे को अभी जो है 1200 रुपये का मेरे को पड़ा हुआ है फिलहाल कोविड के टाइम पीरियड पर, तो अभी कुछ कह नहीं सकती। इस रूम में मेरे को देखो क्या क्या फैसिलिटीज मिली हुई है, चेयर मेरे को मिला हुआ है, प्लस ये अलमीरा एक ली हुई है जिसमें मैं सामान वगैरह अपना लगेज वगैरह सब कुछ रख सकती हूँ, सामान रख सकती हूँ। प्लस ये एक एसी मिल रहा है, एसी फुल ऑन है, मतलब यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा होती है तो उससे एसी काफी अच्छा है। प्लस यहाँ पे जो बाउंड्री उठी हुई है साइड में एक बाउंड्री है वो मेरे को मिली, सामान रख सकते हो कुछ भी कर सकते हो। प्लस मेरे को एक टीवी मिला हुआ है, यहाँ पर एक जो है घड़ी मिली हुई है टाइम देखने के लिए, प्लस मेरे को एक ये टीवी मिला हुआ है। प्लस मेरा एक बेडरूम है, वो जो बेडरूम है वो काफी अच्छा है, मतलब इसमें रेड कलर का जो पिलो है वो मेरे को बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्लस मेरे को एक मिरर मिला हुआ है और इधर बाथरूम है ऐसा यूज करने के लिए, बाथरूम वगैरह भी इधर ऐसी, तो बाथरूम छोटा सा है ज्यादा। तो फिलहाल जैसे कि तुम लोग सामने देख रहे हो कि मेरे को ये सामने इतना बड़ा का मिरर मिला हुआ है, मिरर है काफ़ी अच्छा है, ऊपर से नीचे तक का मेरा लुक है और अच्छे से मैं अपने आप को देख सकती हूँ, मेकअप वगैरह सब कुछ तैयार हो सकती हूँ, रेडी हो सकती हूँ। प्लस मुझे यहाँ पर ये चार्जिंग के पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। प्लस ये बाथरूम है, बाथरूम कुछ खास नहीं है, मतलब छोटा सा है, मतलब काम चला हुआ है तो चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड. And don't forget to subscribe.